बिलासपुर जिला में चिलचिलाती धूप और लू की थपेड़ों से लोग परेशान हैं। दिन में पारा 40 डिग्री को पार कर जाता है। कई इलाकों में तो झुलसा देने वाली गर्मी है और दिन में गर्म हवाएं भी चल रही हैं। खतरे की घंटी ये है कि आने वाले दिनों में शहर का तापमान और बढ़ने की उम्मीद है। इस अवधि में बारिश होने की भी कोई संभावना ना के बराबर हो गई है। बिलासपुर जिला में चिलचिलाती धूप और लू की थपेड़ों से लोग परेशान हो चुके हैं। दिन में तापमान 40 से भी पार पहुंच जाता है। कई इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है और दिन भर गर्म हवाएं भी चल रही हैं। बिलासपुर शहर में झुलसा देने वाली धूप के चलते सड़कों पर सन्नाटा छा गया है। खतरे की घंटी ये है कि आने वाले 3-4 दिनों तक शहर अभी और अधिक तपने जा रहा है। इस अवधि में बारिश होने की संभावना कम बताई जा रही है। जिला में पड़ रही इस भयानक गर्मी से लोगों का दिन के समय में घरों से बाहर निकलना भी दूभर हो चुका है। मैं दिलवर सिंह ठाकुर, मैं अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की तरफ जा रहा था, तो सड़कों पर इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा लू चल रही है कि चलना, पैदल चलना मुहाल हो चुका है। चारों तरफ जो वाहन हैं उनके धुएं के साथ और जो प्रदूषित हवाएं चल रही हैं, इससे जो जनजीवन जो है वो बहुत अस्त व्यस्त हो चुका है। तो लोग, किसान लोग भी अब ऊपर की तरफ देख रहे हैं कि बारिश हो जाए और वो एक तो गर्मी से निजात मिलेगी, दूसरे जो दूसरी मक्की जो फसल यहाँ की हिमाचल प्रदेश की है वो बीजने के लिए लोग तैयारी पे हैं। वो देख रहे हैं कि बारिश होती तो मक्की बीजी जाती और इससे गर्मी से भी तपती हुई इस धूप से भी निजात मिलती, ऐसा मेरा मानना है। वहीं विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में भी जहाँ पिछले 3-4 दिनों से पारा 35 डिग्री से भी पार कर गया है, वहां 2 दिन पहले तेज बरसात ने एक बार फिर से तेज धूप से तापमान में राहत महसूस जरूर करवाई थी। हालांकि पिछले कल जहां पर दोपहर के समय, शाम के समय श्री नैना देवी का तापमान 35 के करीब था, तो वहीं रात के समय तेज तूफान और बरसात के कारण तापमान में थोड़ी राहत पर्यटकों को जरूर मिली है और स्थानीय लोगों ने भी राहत की सांस ली है। मंदिर न्यास के द्वारा श्रद्धालुओं को गर्मी से बचाने के लिए कूलर, पंखे, फुटमैट आदि लगाए गए हैं। दरबार चाहे जी, बहुत गर्मी है इतने, पर कूलर पंखे बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, पर फिर भी प्रबंध बहुत है, पर फिर भी बहुत ज्यादा गर्मी होने करके मतलब बहुत रश बहुत ज्यादा है। तो जून की पहली तारीख है पर फिर भी बहुत ज्यादा रश। श्रद्धालुओं की रात अधिक गर्मी होने के कारण श्रद्धालुओं के लिए कूलर आदि का लगा दिए गए हैं तथा पंखों का लाइनों में इंतजाम कर दिया गया है, तो ये श्रद्धालुओं तक की किसी प्रकार की दिक्कत ना हो सके। दीपक है, यूपी लीगढ़ से आए हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। पर गर्मी बहुत है और व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पर, कूलर पंखे और छाया भी अच्छी है, दर्शन बहुत अच्छे हैं मैया रानी के, बहुत अच्छे दर्शन है। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।